दो जगह पर धान, धान जानते हो, चावल, जौ चावल धान माना गया। ध्यान दीजिएगा, एक किसी नदी के तट पर, पवित्र नदी जो भी हो, गंगा यमुना सरयू सरस्वती, इस नदी के घाट पर थोड़ा सा भी चावल का, आठ दाना भी, दस दाना भी, एक चुटकी चावल भी अगर हम पटक देते हैं, दान दे देते हैं, घाट पर रख देते हैं, तो कहते हैं वो दान कभी क्षीण नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। एक घाट का दान, दूसरा तीर्थ का दान। तीर्थ से मतलब है किसी पुरी में, मोक्षपुरी में आप पहुंचे हैं, अयोध्या कांची अवंतिका मथुरा आदि कादि, जिस पुरी में हम पहुंचे हैं, उस पुरी में आपने अगर अन्न का एक दाना भी दान दिया है तो वो महाराज क्षीण नहीं होता, वो भी अजर और अमर, उसकी भी अमर, उससे नष्टता नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे किसी के शरीर में चर्म रोग हो गया हो, मान लो किसी का शरीर कहीं से काला पड़ गया, कहीं चट्टे पड़ गए या सफेद पड़ गई चमड़ी और चर्म रोग हो गया, तो उसके लिए जैसे पीपल के पत्ते पर शहद लगाकर, उसमें चंदन लगाकर, पत्तों को जोड़कर शंकर के शिवलिंग पर लेपन करने के बाद उसी पत्ते को शरीर पर मल लिया जाता है और आधे घंटे बाद स्नान कर लिया जाता है तो चर्म रोग समाप्त होने लगता है और चर्म रोग की समाप्ति हो जाती है। भले चमड़ी कितनी भी सफेद हो रही हो, वो चमड़ी अपने रंग में आना चालू हो जाती है। तो जैसे चर्म रोग के लिए सुख का भान है, उसी तरह शिव उपासना के लिए दान का बड़ा महत्व है कि हमें दो जगह कर किया गया दान। एक कहां, जम के बोलो, किसी पवित्र नदी के घाट पर, घाट पर रखना है, भले दो दाने चार दाने रखो छह दाने रखो, पर अन्न का दाना। और दूसरा कहां, मोक्षपुरियों में,